महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरि हर शिव महापुराण कथा के अंतर्गत गुरुदेव ने बहुत ही विशेष जानकारियां दी है तथा एक पत्र के माध्यम से भी बताया है कि किस तरह से रोगों की मुक्ति हुई है। वीडियो में अंत में वो भी बताया जाएगा कि रोग मुक्ति के लिए कौन सा अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। सर्वप्रथम पढ़ते हैं वह लेटर जो आशीष जी पठान के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने बताया है कि उनके माता श्री के गिठान हो गई थी कैंसर की और उन्होंने कुबेरेश्वर रामधाम से लाया हुआ रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ किया तथा शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा से एक बेलपत्री औषधि के रूप में मांग करके लाकर खाना प्रारंभ किया जिससे कैंसर की गिठान भी समाप्त हो गई। एक लोटा जल हर समस्या का हल और एक बेलपत्री हर रोग की मुक्ति। तीसरा गुरुदेव ने बताया है तीन बातें हमेशा व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। जिस आसन पर बैठकर व्यक्ति पूजा करता है, अर्चना करता है, अभिषेक करता है, उस आसन को कभी पांव से नहीं हटाना चाहिए। दूसरा, शिवलिंग पर शिवालय जब हम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, वहाँ जल समर्पित करने के बाद जल के कलश को खाली कभी नहीं लाना चाहिए। उसमें दो बूंद ही जल हम लेकर आए पर जरूर लेकर के आना चाहिए, जिससे रास्ते में अगर कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो उनके लिए वह शुभ शगुन होता है, उनका कार्य सफल हो जाता है। खाली जल कभी ना ले, खाली लोटा कभी ना लेकर के आए और हमेशा घर से ही जल हमको भर के ले जाना चाहिए, जिससे तीन दोष खत्म हो जाते हैं, पितृदोष, कालसर्प दोष और हमारे घर का वास्तु दोष। तो हमेशा घर से ही जल भर करके ले जाएं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है गुरुदेव ने, जब हम शिवलिंग पर जड़ चलाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद जब हम शिवालय से लौटते हैं तो मंदिर पर थोड़ी देर चौखट पर रुककर शिवलिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। वह हमारी मनोकामना उस समय बोल देने से मनोकामना पूरी हो जाती है। चौथी जानकारी बहुत ही अच्छी बताई है और बहुत ही अचूक उपाय बताया है रोग मुक्ति के लिए। जिन्हें गंभीर रोग हो गया हो और जिनका रोग नहीं जा रहा हो, वह जांच के लिए जा रहे हैं, तो एक धतूरा ले और धतूरे को शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाएं जो उसका धतूरे की डंडी का जो भाग हो वह अशोक सुंदरी की तरफ हो। अशोक सुंदरी वाला स्थान आपको बताया जा रहा है, इस तरफ डंडी का भाग रहे और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं और धीरे धीरे उस धतूरे पर पानी जल चढ़ाएं और अपनी कामना बोलें, अपने रोग का स्मरण करें और कुंद केश्वर महादेव का नाम लें और जल चढ़ाएं। पर वह जल हमें घर नहीं लाना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल को हाथों से ले अशोक सुंदरी वाले स्थान से हाथ गीला कर लें और उस व्यक्ति की आंखों पर और मस्तक पर लगा लें जिनका टेस्ट होने वाला है, जो अपनी बीमारी के लिए टेस्ट कराने जा रहा है। ऐसा करने से गंभीर रोग टेस्ट के अंदर नहीं आता है और नॉर्मल उनकी रिपोर्ट आती है। तो इन उपायों को जरूर करना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ऐसे ही अचूक उपायों के लिए और विशेष जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।